नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के बच्चों का जो टेस्ट एग्जाम हुआ था स्कूल में, उसका गणित का लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग सीखेंगे अभी हल करने के लिए। तो ये तीन प्रश्न का मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये चौथा प्रश्न है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो ये चौथा प्रश्न है, इसको हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है। वैसे तो आप ये प्रश्न स्कूल में हल किए ही होंगे, और यदि मान लीजिए आप हल नहीं किए या फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है इस प्रश्न में, तो आप देखकर समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। इसी तरह का एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, यदि बहुपद ax2 - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है। देखिए यहीं पे समझना है, शून्यकों का गुणनफल 4 है, शून्यकों का गुणनफल 4 दिया है, तो a का मान निकाले। क्लियर? अब देखिए आपको जब हल करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो बहुपद द्विघात समीकरण है इसको उतार लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ax2 - 6x - 6 = 0 नहीं है, लेकिन आपको लगाना है। क्लियर हो गया? अब देखिए इससे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ए बी सी निकालना है। ए बराबर हो जाएगा क्या, ए बराबर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है ए, तो ए ही लिख देंगे। बी का वैल्यू क्या हो गया, एक्स का गुणांक बी कहलाता है, एक्स का गुणांक है -6, यहां लिखेंगे -6। फिर है सी बराबर -6, देखिए निकल गया। अब यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ शून्यकों का गुणनफल 4 है, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों के गुणनफल को ही अल्फा इंटू बीटा भी कहते हैं। क्लियर? देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर वहां दिया हुआ है 4, प्रश्न में हम यहाँ 4 लिख लिया। अब देखिए हमको तो ए का मान भी पूछ रहा है, यहाँ कह रहा है ए का मान निकाले। ए का मान कैसे निकलेगा, तो अल्फा इंटू बीटा वाला जो सूत्र होता है, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाय ए बराबर 4। ठीक है, अब देखिए सी का मान कितना है, सी का मान देखिए -6 है, यहाँ पर -6 लिखेंगे। ए का मान ए ही है तो ए लिख देंगे बराबर 4, बटे में कुछ नहीं तो ए। अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, इसको इससे इसको इससे, तो ए और 4 को गुना करेंगे तो 4 गुना ए हो जाएगा, इधर 1 गुना -6 गुना करेंगे तो -6। तो a का मान लिखेंगे, a का a बराबर हो जाएगा -6/4। ठीक है, अब ये कट रहा है तो कट रहा है तो कटा भी देंगे, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो बराबर हो गया -3/2, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी को हम a बराबर लिखा लिख देंगे -3/2, यही आपका आंसर है। देखिए इस तरह से हम सॉल्व किए, इसी तरह से यदि आप बनाए होंगे तो हमें लगता है कि आपका प्रश्न सही होगा, और यदि मान लीजिए गलत भी हो रहा है तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं, है ना। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर कर सकते हैं। इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में आइए, और भी वीडियो है इस तरह का, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।